उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बिजली समस्या से जनता परेशान है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भाजपा सरकार महंगाई रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। प्रदेश सरकार ने जो गन्ना मूल्य घोषित किया उससे किसान अपने घर का बिल तक जमा नहीं कर सकता, वहीं नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इतनी बड़े पैमाने पर महंगाई है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौकरी पेशा वाला है, चाहे वो आम आदमी है, उसका जीना दुख है। रसोई का बजट बिगड़ गया है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। ना तो सरकार महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब रही और ना सरकार ने क्राइम कंट्रोल करने में कामयाब रही। महंगाई में तो सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया, अकेले डीजल और पेट्रोल से सरकार ने 23-24 लाख रुपया कमाए, 23-24 लाख करोड़ रुपया कमाए अकेले डीजल और पेट्रोल। तो सरकार ने जितना जनता को, आम जनता को लूटने का काम किया। आप बैंक में पैसा जमा करने जाइए, निकालने जितनी बार जाएंगे उतनी बार पैसा कटा जाए। आपके खाते में अगर 1,500 रुपया पड़ा है तो वो कटते कटते खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा।